एक ही शहर, एक ही देश, एक ही दुनिया, लेकिन फासला ये बड़ा। इतने बड़े बंबई शहर में क्या मुझे कोई ना पढ़ा सकता? ये ले, ये ले। और कविता, कभी शीशे में शक्ल देखी है कभी? गवार। घमंड है ना तुम्हें अपने पढ़े लिखे होने पर? क्या तुम अपनी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हमें दे सको? बोलो, है हिम्मत तुम्हें हमें पढ़ाने की? काम मर गई है, आंधे उसे मैं बताता हूं। रोज रोज ठेकेदार की बात मुझे इसकी वजह से सुननी पड़ती है। काम में तो इसका मन नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। कुछ न कहना उसे, जवान छोरी है, जरा संभाल के बात करिए। जवान है तो क्या है, मैंने जिंदगी भर का ठेका लिया उसका। अरे कमा कर तो लाती है, और क्या चाहिए, अपनी जान दे दे। अरे जान तो मैं उसकी लेकर रहूंगा आज, आने दो उसे। अरे काम मर गई थी तू आज, तन्ना क्या समझा, जो तू करेगी ठीक करेगी। ठेकेदार की गालियां मैं सुनूंगा, मुझे चैन लगेगी। बता रोज कहां जाती है? अरे कैसी बेसाल मैं बोलती ना, मुझे आंखें दिखा रहे। हाँ मैं तुझे आंखें दिखा रही हूँ, क्योंकि तैने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मन्नत तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, यार तुम मुझसे कह रही है, जिसने तुझे पैदा किया। पैदा किया? अरे और कुछ ना किया, पैदा करके बैल बना दिया मुझे, बैल, बिना अकल का बैल, से तू जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सके। अरे मैं पूछूं, तने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? बोल, क्यों नहीं पढ़ाया मुझे? अरे यूं कहाँ हो रहा है? बोले तू चुप कर, आज फैसला हो जाने दे। तू कहती है कि मैंने तुझे पढ़ाया नहीं, और तभी कभी पढ़ती है जब बाल लड़ाते हैं। मैं इसे ठीक कर दूंगा, क्या समझी अपने आप को? मैं ठीक कर दूंगा इसको। यार होती जला थी बेटी, चुप कर जा, चुप कर जा बेटी, चुप कर जा ना, ना बेटी ना। ला यार इधर दे यार, बहुत भूख लगी है यार। यार बहुत दिनों से कोई एक्शन नहीं हुआ यार। हाँ यार। अरे सुना तुम लोगों ने? क्या? अपने कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। तो फिर? तो फिर क्या, सारा का सारा प्रोग्राम बन गया और तुम तीनों से किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ मालूम भी है तुम लोगों को? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये? कौन करेगा? वही तरुण और तरुण का गैंग, वो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है ना, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे बोल भी दिया ऑर्गेनाइज करने के लिए। हाँ तो ये बात है, तो फिर हम भी देखते हैं कि हमारे बिना ये फेस्टिवल कैसे होता है। मुमताज, मेरी मुमताज, मुझे छोड़कर मत जाओ मुमताज। अबे फीलिंग ला फीलिंग, मुमताज मर रही है और तू ऐसे बोल रहा है जैसे वो अपने मायके जा रही है। अबे ठीक से बोल। मुमताज, मेरी मुमताज, मुझे छोड़कर मत जाओ। थोड़ा बेटर है पहले से, लेकिन इसको और इम्प्रूव कर। अरे बॉस उतरी मस्कीटियस आ रहे हैं। तो मैं क्या उनसे डरता हूँ? क्या बात है? तो तरुण, ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहे हैं, रिहर्सल चल रही है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारी इजाजत के बिना रिहर्सल करने की? मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मां बदौलत एक प्ले करना चाहते हैं। तुम और प्ले, शक्ल देखिए कभी शीशे में? शक्ल तो रोज ही देखते हैं अपने शीशे में। शक्ल तो रोज ही देखते हैं हम अपनी शीशे में। बांध दूंगा तुझे मैं अपने जूते के फीते में। वाह क्या लाइन मारा है यार। क्या हो रहा है ये? सर देखिए ना, ये तीनों में यहाँ रिहर्सल नहीं करने दे रहे। क्या बात है, तुम तीनों यहाँ पे अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहे? सर हम भी एक नाटक करना चाहते हैं सर। सर ये सारा फेस्टिवल बिगाड़ कर रख देंगे, नाटक करना इनके बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ तोड़ फोड़ ही कर सकते हैं। अबे ओ काजू के छिलके, जबान संभाल के बात। ओ शट अप,
तुमने आज तक कोई नाटक किया है? नहीं सर, बट देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम सर। पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम तीनों कोई शैतानी नहीं करोगे? सर बिल्कुल नहीं होगी सर। सर एक बार आजमा के तो देखिए सर। सर दरअसल हमारे टैलेंट को कोई परख ही नहीं पाया सर। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग कौन सा नाटक करना चाहते? सर इस बात का पता लगते ही हम आपको खबर कर देंगे सर। क्या? नो नो सर, इसकी बातें मत जाइएगा सर। सर हम लोग सर यही नाटक करेंगे जो ये लोग कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, यही तो मैं भी कहने वाला था। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, इसकी रिहर्सल तो हम पहले से ही कर रहे हैं। भाई हम तो यही नाटक करेंगे। अच्छा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो? सर सवाल ही नहीं पैदा होता सर। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। तो ठीक है, करो तुम तैयारी। ओके। ये क्या किया सर, इन तीनों पे भरोसा मत करिए। अरे करने दो इन्हें, छोटा सा प्ले, कम से कम तुम्हें तंग तो नहीं करेंगे, कहीं तो इनका दिमाग लगे। जी सर। पाठशाला में। क्या काम है? वो जो पाठशाला का सबसे बड़ा पढ़ाने वाला है ना, उससे मिलना मुझे। क्यों? मैं भी पढ़ना चाहूँ। अरे तू पागल है क्या, तुझे पता नहीं है अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, चल भाग जा यहाँ से। अमीरों के बच्चे? हंसी क्यों? कुछ ना, ऐसे ही। अच्छा भैया जाती हूँ, पर तुम तो भले आदमी लगो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी भी ना पिला सको? अच्छा दो मिनट रुक, मैं अभी लाता हूँ, लेकिन कहीं जाना नहीं, नहीं। यहीं रुकना। अरे जरा सुन तो सही। हाँ बोलो। कौन हो तुम? वो जो पाठशाला का सबसे बड़ा पढ़ाने वाला होवे ना, उसका कमरा कौन सा? सबसे बड़ा पढ़ाने वाला का कमरा? ओ प्रिंसिपल का कमरा, यही है। बोलो। मुझे उनसे मिलना था। पहले कभी उनसे मिली हो? हाँ हाँ कई बार। अच्छा झूठ तो अच्छा बोल लेती हो, तुम अंदर कैसे आ गई? मुझको सिर्फ 5 मिनट उनसे मिलना, बड़ा जरूरी काम है, मुझको भीतर जाने देना। तुम अंदर नहीं जा सकती, मैडम बहुत बिजी है। वैसे भी तुम जैसी लोगों से मैडम नहीं मिल सकती, फौरन यहाँ से चली जाओ। अरे बड़ा बदतमीज है तू, मैं तो प्यार से बात कर रही और तू एक सिर पे चढ़ा जा रहा, मैं तो भीतर जरूर जाऊंगी। अरे रुक जाओ यहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है ये? मैडम मुझको तुमसे मिलना था और ये मुझे मिलने ना दे रहा। मैडम ये जबरदस्ती अंदर घुसे जा रही है। मुझसे क्या काम है तुम्हें? मैडम मैं शहर में नई नई आई हूँ, मैं पढ़ना चाहूँ, मगर मुझे समझ ही ना आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। सोचा कि तुम तो इतनी बड़ी पाठशाला की मैडम हो, तुम मेरी मदद जरूर करोगी, करोगी ना? मदद? What मदद? तुम्हें मालूम है तुम कहाँ खड़ी हो और किससे बात कर रही हो? इस स्कूल में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसे गंदे और गवार लोगों के लिए कोई जगह नहीं। चलो निकलो यहाँ से। वाह मैडम वाह, अरे मैं तो तुमसे मदद मांग रही थी और तुम नखरे दिखाने लगी। ओए चल बाहर यहाँ से, चल। ए हाथ मत लगाइए मुझे, समझा? मैडम अरे इतना घमंड अपनी शिक्षा और पैसे का, लेकिन बात करने की तमीज तो तुझे किसी ने ना सिखाई। अरे मुझसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है तुझे, तुझे। रामपाल फेंको इसे बाहर। अरे हट, मुझे रहना भी नहीं है यहाँ पे, घमंडी राक्षस कहेंगे सबके सब। अरे हटो। चौकीदार बाहर ध्यान देने लगते हो क्या, ये अंदर कैसे आ गए? अरे तुम तो हमसे पानी मांगी थी और हमसे। चल निकल चल 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 बाहर, निकल चल, दोबारा कभी नहीं आना है। कहां कहां से आ जाते हैं। एक दिन मेरी लिखी कविताएं पढ़ाओगी तुम इस पाठशाला में। सबको अपनी अपनी स्क्रिप्ट मिल गई,
ठीक से पढ़ लो। मिल गई और पढ़ भी ली, आगे बोल। विकास तुम वजीर आजम का रोल करोगे। ठीक है। और प्रभु तुम ताजमहल के कारीगर का। कारीगर का? हाँ कारीगर का। और ये नमिता जी क्या करेंगी? ऑफ कोर्स मुमताज बेगम यार। और आप क्या करेंगी जी? कितना सिली सा सवाल पूछ रहे हो यार। ऑफ कोर्स शाहजहां यार। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू हीरो है ना। इसमें कोई शक है? हाँ एक काम करो, डायलॉग्स अच्छी तरह याद कर लो, स्टेज पर भूल गया ना बहुत जूते पड़ेंगे। मैं इतना छोटा रोल नहीं करूंगा। समझाओ ना यार इसको यार। यार आनंद तू ऐसा कर, तू मेरा वाला रोल इसे दे दे। प्लीज यार आनंद दे देना बड़ा रोल यार, प्लीज यार। कम ऑन दे दो। दे देना यार। चल तू भी क्या याद करेगा किस समीर से पाला पड़ा है। अरे नमस्कार साहब, आइए 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 बैठिए। अबे मुँह क्या देख रहे, जा पानी लाओ, जा ठंडा ठंडा। चलो चलो। कैसे काम चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है साहब। वो क्या कहते हैं, जहाँ हम हैं काय का गम है, चल कर देख लेना खुद ही अभी। हाँ वो सुरेश को फोन करके आओ, उससे ये पूछो कि सीमेंट की बोरियों का ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ। जी अभी करके आता हूँ, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताइए। फिलहाल इतना ही करो, तब तक आप हिसाब चेक कीजिए। मैं अभी आया साहब। साहब। यस। वो साहब तुमसे कुछ बात करनी है। भाई जो भी बात करनी है आप ठेकेदार से करिए, जाइए। नहीं साहब वो बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो बोलो। वो साहब मैं पढ़ना चाहूँ पर मुझे सूझ ही ना रहा कि मैं क्या करूँ। साहब तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ रास्ता बताओ ना। पढ़ना आप चाहती हैं, रास्ता मैं बताऊँ? आपने मुझे समझ कर रखा है, मैं कोई रास्ता बताने वाला गाइड हूँ? नहीं साहब मेरा ये मतलब ना था। वो दरअसल बड़े दिनों से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाऊं, मगर ओह शट अप। क्या हुआ राधा? अरे कुछ ना हुआ, ऐसे ही बस। देख रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तू चाहती क्या है। मैं पढ़ना चाहूं। राधा पढ़ना लिखना हमारी किस्मत में नहीं है, हमारी किस्मत में तो बस पत्थर तोड़ना लिखा है बस। ना मेरी तकदीर में पत्थर तोड़ना ना लिखा। अच्छा ये जो तू उसके पास जाती है फिर इसके पास जाती है पढ़ने के लिए, इससे क्या होगा राधा, बोल क्या होगा? मैं समझू थी कि ये पढ़े लिखे लोग समझदार हो, मैं तमीज वाले हो मैं। अरे अरे अब तो ये लगे कि इनसे ज्यादा तमीज तो हमें हो। ठीक कहती है राधा, सच बात तो ये है कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये चाहते ही नहीं है कि हम जैसे अनपढ़ लोग पढ़े। अगर इन्होंने हमें पढ़ा लिखा दिया तो इनका दबाव कम हो जाएगा हम पर, हुकूमत खत्म नहीं हो जाएगी इनके हम पर, बोल। पर आखिरकार कब तक चलेगा यो? हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं बेगम, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं कि हम जिंदा रहे। अगर मैं मर गई तो? मर गई तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है अगर मर गई तो मैं तुम्हारी याद में एक ऐसा महल बनवाऊंगा जो दुनिया में ना किसी ने देखा हो ना सुना। तो अभी बनवा दीजिए ना। नहीं तुम्हारे मरने के बाद। लेकिन तब मैं उसे देखूंगी कैसे? मेरी जान जन्नत से देखना मुमताज, जन्नत से। नहीं अभी बनवा दीजिए ना। अरे कह दिया ना अभी नहीं बनेगा, हिस्ट्री में लिखा है मरने के बाद बनेगा ताजमहल। अरे अरे मुमताज बेगम, मुमताज बेगम, वजीर आजम, वजीर आजम। देखो मेरी जान को क्या हुआ है, देखो कहीं मर तो नहीं गई? ये तो मर गई आलमपना। आए राम मैं भी मर गया। आप तो जिंदा हैं आलमपना। मुझे ताजमहल बनवाना पड़ेगा। ताजमहल? हो वो क्या होता है आलमपना? तो मुझे भी नहीं मालूम,
लेकिन मैंने बेगम से वादा किया था। देखिए आलमपना, अगर आपने वादा किया था तो बनवाना पड़ेगा। अबे इतनी फिक्र है, तू ही बनवा दे। मगर वादा तो आपने किया था आलमपना। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने इतना महंगा ताजमहल बनवाने का वादा कर लिया। वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। कारीगर को बुलाओ, कारीगर को पेश किया जाए हमारे सामने। जी आलमपना। कारीगर, कारीगर, अरे कहाँ हो भाई? ये लीजिए आलमपना। सामने आओ कारीगर। हम संगमरमर का एक ऐसा महल बनवाना चाहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं हो। जी आलमपना। कोई तो जरूर होगा, कोई तो जगह होगी ना जहाँ हम भी पढ़ सके, लिख सके, अपना जीवन सुधार सके। क्या जानू रे, पर बेटी तेरे मन की बात मैं समझती, पर क्या करूं कुछ समझ में ना आता। माँ मुझे बड़ा तरस आवे इस पे, जाके देखो। तुझे उससे क्या लेना, पगला है, जान दे उसे। मुझे इसकी बातें बड़ी अच्छी लगे, जाने देना माँ। बेटी तेरी माँ होके भी तुझे आज तक समझ ना पाई। अच्छा जा, पर देख जल्दी आ लियो। हाँ। है तो पगला ही ना। अरे कुछ ना होगा माँ, वैसे मैं यहाँ बाहर ही तो खड़ी हूँ। है जल्दी आइयो। हाँ ओ बिहोल्ड द रिचेस ऑफ द शिप इज कम ऑन शोर, यू मैन ऑफ साइप्रस, लेट हर हैव योर नीज, लेट हर हैव योर नीज। ए सुन, ये तो क्या कर रहा? मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब, अंग्रेजी की किताब। मैं अंग्रेजी की किताब। किसकी? पता ना। नहीं समझी, जाहिल है ना। यहाँ कोई नहीं समझेगा, इस बस्ती में कोई नहीं समझेगा, लेकिन वो समझेंगे, वो ऊंची इमारतों में रहने वाले करेंगे कुछ नहीं। तो क्या क्या चाहे तू हमेशा ऊंचे ऊंचे घरों के बारे में क्यों बोल रहे? तू कौन होती है पूछने वाली है? तू है कौन? तू भी विलास से आई है क्या? ना ना, मैं तो गांव से आई हूँ। तू ये किताब पढ़ के सुना ना। ये किताब? ये मेरी किताब है, मैं नहीं सुनाऊंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम इसे जला दोगी, मेरी सब किताबों को जला दोगी तुम। अरे ना, मैं ऐसा ना करूं, तू सुना तो सही। ये बहुत मुश्किल किताब है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे कुछ नहीं होगा ना, तू सुना तो। तो सुन। Oh behold, the riches of the ship is come on shore, you men of Cyprus, let her have your knees। नहीं समझी ना? समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर की किताब है, ओथेलो, तेरी समझ के परे, क्योंकि तू गंवार हूँ है ना। मगर तू तो बहुत बड़ा विद्वान है, तू मुझे सिखावेगा, पढ़ावेगा मुझे। तुम करोगी? कभी मत पढ़ना, मैं बता देता हूँ, कभी मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि ठेकेदार तुम्हारी किताबें चला देगा, फाड़ देगा।
अरे यार 10 बज गए, चिपकू की क्लास है यार। भाई आज अनंत की बारी है प्रॉक्सी मारने की। हाँ अनंत, इट्स योर टर्न टुडे। हाँ हम कैंटीन में तुम्हारा वेट करते हैं, तू फटाफट अटेंडेंस लेकर आ जा। ओके तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सुन हाँ। थोड़ी देर क्लास में बैठ जाना, चिपकू वैसे ही सड़ा हुआ है, कहीं प्रिंसिपल को कंप्लेंट ना कर दे। ओके 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 ओके। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कॉमर्स। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सही प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं हो सकती। आनंद आनंद, आनंद क्या तुम्हें मालूम है कि जो शिक्षा तुम्हें इस कॉलेज में दी जा रही है, या यूं कहें कि जो शिक्षा प्राप्त करने तुम्हारे मां बाप तुम्हें यहां भेजते हैं, उसकी क्या अहमियत है? शायद तुम लोग ये जानने में दिलचस्पी लो कि हमारे देश में दुनिया के एक तिहाई अनपढ़ बसते हैं, और वो उस शिक्षा से महरूम है जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा क्यों है सर? इसके कई कारण हैं। आजादी से पहले हमारे देश में साक्षरता पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्र निर्माण में यही बात सबसे बड़ी बाधा बनी कि साक्षर लोगों की प्रतिशत बहुत ही कम थी। कई सामाजिक कारण भी हैं जो हमारे देश के वंचित लोगों को शिक्षा पाना और भी मुश्किल कर देते हैं। ये लोग गरीब हैं, जागरूकता की कमी है इनमें, और तुम लोगों को तो सब कुछ मिला हुआ है। खुशकिस्मत है आप लोग की, आप लोगों के मां बाप आपके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। कभी तुमने सोचा कि इन वंचित लोगों में से कुछ लोग तुम्हारी ही तरह समझदार या टैलेंटेड हो सकते हैं, या फिर तुमसे भी ज्यादा? लेकिन बदकिस्मती है उन लोगों की, वो पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया जाता। सर इस बात से देश की प्रोग्रेस पर क्या असर पड़ता है? बहुत ही बुरा। तुम्हें मालूम है जापान और हम आजादी के बाद एक साथ ही शुरू हुए थे, लेकिन आज वो कहां निकल गया और हम कहां रह गए? आज जापान दुनिया का आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राष्ट्र बन गया है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, साक्षरता। लेकिन आनंद जैसे लोगों पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, ये तो बस अपने मां बाप की मेहनत से कमाए हुए पैसे को उड़ाने में विश्वास रखती हैं। इनकी नजर में शिक्षा का मतलब है आवारागर्दी, डिस्कोर्स, कॉलेज में आकर हाजिरी लगाना और एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़कर पास होने की कोशिश करना। यदि पास ना हुए तो पिता की अप्रोच लगाकर जबरदस्ती पास होना। क्यों आनंद, मैं सही कह रहा हूं ना? आनंद शिक्षा का जो मतलब तुमने समझा है वो नहीं है। शिक्षा का मतलब है एक अच्छे चरित्र का निर्माण जो देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सके, समाज के सब वंचित तबकों में प्रेम का वातावरण बना सके, ताकि वो भी इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। अरे जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। उनका सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है शिक्षित ना होने की वजह से। Okay, boys and girls, enough for today. See you tomorrow. कभी तुमने सोचा है? इन वंचित लोगों में से कुछ लोग तुम्हारी तरह समझदार या टैलेंटेड हो सकते हैं, या फिर तुमसे भी ज्यादा?
लेकिन बदकिस्मती है उन लोगों की, वो पढ़ लिख नहीं सकते, उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया जाता। लिखेगी इज्जत, तुम्हारे लिखेगी इज्जत। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपने पढ़े लिखे होने पर। क्या तुम अपनी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हमें दे सको? बोलो, है हिम्मत तुम्हें हमें पढ़ाने की? अरे बोलो। Thank you.